सो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया है ओके okay? और यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी देर बाद ट्रेड कंप्लीट होता है, चाहे यहाँ पर लॉस होगा प्रॉफिट होगा, सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर हमारा डिसाइड है टारगेट और एसएल दोनों। एसएल हमारा यहाँ पर बहुत छोटा है, सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल के साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। आज बहुत ही रोमांचक ये ट्रेड होने वाला है, सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारे ट्रेड में। सो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो काफी अच्छा होगा, लॉस होगा तो बहुत छोटा होगा। ओके सो वेट करते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड आप लोगों ने देखा कितना बेहतरीन तरीके से जो मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हिट हुआ है, ठीक है। जो टारगेट दिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिट हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर ट्रेड लिया एंड देन जैसे ही देखिए मार्केट यहाँ पर हमारा टारगेट हिट किया है, देन मार्केट देखिए यहाँ से ही रिवर्स हो गया, ओके। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली चीज़ आपको है कि यहाँ पर देखिए मैंने कितना छोटा सा एसएल रखा था, एसएल यहाँ पर सिर्फ कितना था, 5 पॉइंट का, वो भी ऑप्शन में। कभी आपने ट्रेड किया है ऐसा 5 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है, 5 पॉइंट के एसएल के साथ मैंने ट्रेड किया। और यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर देखिए मैंने टेलीग्राम पर ओपन कर लिया और यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर मैंने आपको क्या दिखाया दिया था, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था तब मैंने बोला था कि इसके नीचे आएगा मार्केट तो आपको नीचे यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर टारगेट भी भेज दिया, पहला टारगेट यहाँ पर था, सेकेंड टारगेट यहाँ पर था, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया था सेकेंड टारगेट अब यहाँ पर लेंगे पहला, लेकिन जो प्रॉफिट है अभी उसको पूरा लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है किसी भी ट्रेडर का कि अपना जो प्रॉफिट हो चुका है, एक टारगेट हिट हो चुका है, तो उस पूरे प्रॉफिट को दोबारा लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर देखिए लिख भी दिया था फर्स्ट टारगेट इज़ डन, अब लॉस नहीं लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने हमें प्रॉफिट ही दिया घूम के, ठीक है। मार्केट देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, देन मार्केट फिर से घूम के आया और हमारा टारगेट पूरा का पूरा हिट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, डब्ल्यू पाई टाइप का पैटर्न बनाया, मार्केट घूम के ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऐसा था कि इस तरीके से हमने किया, यहाँ पर 60 पॉइंट का यहाँ पर हमने टारगेट लिया और 5 पॉइंट का यहाँ पर एसएल लिया था, 5 × 12 = 60, ठीक है। तो यहाँ पर 1:12 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया, ठीक है। 1:12 का यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड आज का था और जो कि काफ़ी अच्छा हिट हुआ है। सो आप लोग भी आई थिंक अगर आप टेलीग्राम पर होंगे तो ये आपने कैच किया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड किया इस ट्रेड को और यहाँ पर हम लोगों ने कैसे ट्रेड बनाया। यहाँ पर मोस्टली पीपल जो होंगे, जो मोस्टली ट्रेडर होंगे, ज़्यादातर यहाँ पर लॉस ही किया होगा क्योंकि उनका यहाँ का पूरा व्यू था मार्केट यहीं से ऊपर घूम के जाएगा। देखेंगे ये कितना बेहतरीन पैटर्न अपर साइड का बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इसको जाना चाहिए था यहीं से। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर बाइंग की होगी मार्केट में, लेकिन हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर सेलिंग कर दी थी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ टेलीग्राम पर बोल भी दिया था कि स्कैल्पिंग ट्रेड है, यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग ट्रेड में क्या होता है फ्रेंड, हम लोग छोटा सा एसएल रखते हैं और छोटा सा ही प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी और आपका जो एसएल रहेगा वो छोटा सा ही रहेगा, ओके। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है स्कैल्पिंग में, और स्कैल्पिंग थोड़ा सा फास्ट होता है जिसमें हमें फास्ट डिसीजन लेना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं तब जाके हम स्कैल्पिंग करते हैं, ओके। सो आई थिंक फ्रेंड आप लोगों ने भी आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।